नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे नल जल योजना को लेकर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में सोमवार को नल जल योजना से जुड़ी शिकायतें पहुंची। एक तरह से अगर हम कहें तो नल जल योजना को लेकर सबसे ज्यादा मामले सामने आए, जिसके बाद से PHED सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि शिकायतों को जल्द से जल्द दुरुस्त कर विभाग को रिपोर्ट भेजें। अब इधर विभाग का कहना है कि नल जल योजना में कोई गड़बड़ी नहीं हो और लोगों को हमेशा शुद्ध पानी पहुंचे, इसको लेकर सोशल व तकनीकी ऑडिट कराया जा रहा है। इसके लाभुकों को योजना संबंधी जानकारी दी जाती है, क्योंकि राज्य सरकार ने योजना को 50 वर्षों तक के लिए शुद्ध पानी पहुंचाने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाया है। अब इधर इस पूरे मामले को लेकर PHED के मंत्री रामप्रीत पासवान ने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत हर घर नल जल पहुंचाना हमारे विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। हमने इसे चुनौती के रूप में लिया है। बिहार के सभी ग्रामीण इलाके में लोगों के घरों में नल जल उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिकारी 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत हर घर नल जल और अन्य योजना में पूजा समझकर काम करें। इस कार्य में लापरवाही बरतने अगर कार्य में लापरवाही बरतते हैं तो ऐसे लापरवाह पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। पिछले दिनों हमने 2 अभियंताओं पर काम में लापरवाही बरतने के कारण कार्रवाई की है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल के अंत तक हर घर नल जल योजना में जहां भी कोई कमी हो उसे ठीक किया जाएगा, हर घर को नल का जल मिलेगा। मैंने अपने विभाग के लापरवाह अधिकारियों को सचेत किया है। उन्होंने कहा कि काम में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होगी तो मैं नहीं छोड़ूंगा, ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी, उसे सस्पेंड किया जाएगा। PHED मंत्री ने कहा कि मुंगेर जिला में कुल 101 पंचायतों में से 62 पंचायतों में PHED विभाग द्वारा काम कराया गया है। 22 पंचायतों में पंचायती राज विभाग और लोक स्वास्थ्य प्रमंडल द्वारा मिलकर काम कराया गया है। 17 पंचायतों में पंचायती राज विभाग द्वारा काम किया गया है। मुंगेर शहरी जलापूर्ति योजना का काम लगभग पूर्ण है। इनका हस्तांतरण नगर निगम मुंगेर को करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इधर योजना में गड़बड़ी को लेकर बताया जा रहा है कि संवेदकों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और उन पर आर्थिक दंड का भी आरोप लगाया जाएगा। जिन वार्डों में संवेदक को विभाग ने जो काम लिखित रूप में दिया गया है उसमें गड़बड़ी करने वालों पर FIR तक करने का निर्णय लिया गया है। तकनीकी ऑडिट में मिली गड़बड़ी के बाद से विभाग गंभीर है और उसको लेकर 6000 वार्डों में तकनीकी ऑडिट करने की बात कही गई है। विभाग तकनीकी ऑडिट के तहत जिन चीज़ों को पे निगरानी रखेगा उसमें है पाइप, मोटर, टोटी की क्वालिटी, कितनी गहराई में पाइप डाली गई है, जहां तक पाइपलाइन बिछाना था वहां तक गया है या फिर नहीं, पाइप की क्वालिटी खराब करने से लाइफ और पानी की गुणवत्ता दोनों पर असर पड़ता है। सोशल ऑडिट के तहत जो बातें कही गई उसमें है कब से घर में पानी आ रहा है, पानी पहुँचाने के दौरान आपसे किसी तरह की कोई मांग की गई तो है या फिर नहीं, पानी कितनी देर आता है और उसका फोर्स कितना होता है, योजना में खराबी आने के बाद कितनी देर के बाद यह जो है ठीक होता है। PHED विभाग के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि CM नीतीश कुमार के द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार में दरभंगा और कटिहार में शिकायतें आई है। इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। दरभंगा में बाढ़ के कारण काम में देरी हो सकती है, लेकिन कटिहार में काम तुरंत ठीक होगा। वहीं सोशल ऑडिट को तेज किया गया है ताकि योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों को फीडबैक मिल सके। तो ये थी नल जल योजना को लेकर जानकारी, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में खूब सामने आया, जिसके बाद से सचिव और संबंधित विभाग के मंत्री भी हरकत में है और उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि अगर जिस अधिकारी की गड़बड़ी पाई जाएगी तो उन पर कार्रवाई होगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।